जामिया मिल्लिया इस्लामिया में अभी इंट्रेंस एग्ज़ाम होना है एंड ऑफ जुलाई से एंड ऑफ अगस्त तक कह सकते हैं, और एडमिट कार्ड को लेकर काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का कमेंट आ रहा था। तो फिलहाल अगर उन्हें पता कैसे चलेगा कि एडमिट कार्ड आया है या नहीं, उसके सिंपल गूगल पर जाकर JMICUE सर्च करना है, और सर्च करने के बाद हल्का सा स्क्रॉल करते हुए जब नीचे आएंगे तो आपको ये जामिया मिल्लिया इस्लामिया का जो इंटरसेक्शन शो कर रहा है, सिंपल इस पर क्लिक कर देना है। आप जैसे जब इस पर क्लिक करेंगे अब इसके बाद ये इंटरफेस दिखेगा। अब इसके बाद करना क्या है, दो चीज़ यहाँ पर आपको मिलेगा। एक तो ये अगर आप अपना डेट चेक करना चाहते हैं, क्योंकि कुछ बच्चे को नहीं पता, ऑलमोस्ट 90% स्टूडेंट्स को पता है, लेकिन जिन बच्चों को नहीं पता है वो जो है वो सिंपल प्रोस्पेक्टस ओपन करें, और प्रोस्पेक्टस में पेज नंबर 52 से 92 के बीच में जाएंगे, उनको हर कोर्सेज का अपना डेट मिल जाएगा किस डेट में उनका एग्जाम है। बट मोस्ट प्रोबेबली एंड ऑफ जुलाई से एंड ऑफ अगस्त में सारे पेपर हो जाएंगे। लेकिन जिन बच्चे का कमेंट आ रहा है कि एडमिट कार्ड, तो एडमिट कार्ड को लेकर सिंपल इस लिंक पर क्लिक कर देना है। आप जैसे जब इस पर क्लिक करेंगे तो आप इसके बाद जो यहाँ पर ये जो साइन इन का बटन दिख रहा है, आपको सिंपल साइन इन वाले बटन पर क्लिक कर देना है। और आप जैसे जब इस पर क्लिक करेंगे तो इसके बाद हो सकता है कि आप अगर लॉग इन किए होंगे तब तो एग्जैक्टली आपसे लॉग इन हो जाएगा, अगर नहीं लॉग इन किए होंगे तो हो सकता है पासवर्ड या नॉट एग्जिट करके बता रहा होगा, या मे बी गलत बता रहा होगा। तो ऐसे में आपको ये जो फॉरगेट पासवर्ड का जो सेक्शन शो कर रहा है इस पर सिंपल क्लिक कर देना है। और आप जैसे जब इस पर क्लिक करेंगे तो अब इसके बाद जो है ये आपको यहाँ पे ईमेल टाइप करने को कहा जा रहा है, उसको आप फिर ये रिसेट करिएगा। रिसेट करते ही आपके पास एक न्यू पासवर्ड आ जाएगा, लेकिन याद रहे वही ईमेल पे पासवर्ड आएगा जो ईमेल आपने जामिया के फॉर्म फिल करने में डाला है। तो अब इसके बाद क्या करना है, सिंपल आपको साइन इन वाले बटन पर जाना है, और साइन इन बटन पर सिंपल आपको ईमेल इसमें इन दोनों में टाइप करना है। टाइप करने के बाद सिंपल लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करेंगे तो उसके बाद इस तरीके का आपको इंटरफेस दीजिएगा। अगर आप ये आप देखें तो ये माई एप्लीकेशन का सेक्शन और प्रीव्यू फॉर्म का सेक्शन शो कर रहा है, लेकिन एडमिट कार्ड का भी शो नहीं कर रहा है। एडमिट कार्ड भी शो करेगा, लेकिन उससे पहले थोड़ा मैं कुछ आइडिया दे दूं। देखिए आपका जो एडमिट कार्ड है एंट्रेंस टेस्ट डेट के जस्ट एटलीस्ट 2 से 3 दिन या फिर 1 वीक पहले मोस्ट प्रोबेबली जामिया का एडमिट कार्ड आ ही जाता है। लेकिन ऐसा नहीं कि एडमिट कार्ड नहीं है, एडमिट कार्ड आ भी गया। मास्टर्स के कुछ कोर्सेस है जो 26 को होना है, उसका एडमिट कार्ड आ भी गया, और जिस कोर्सेज का नहीं आया है उसका भी आ जाएगा। ऐसा नहीं कि नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। और आपको अगर कहीं दूर दराज से हैं और अगर आपको लगता है कि टिकट बनाना पड़ेगा, तो ऐसे में आप अपना ट्रैवल करने के लिए बाई, क्योंकि आप बाई ट्रेन जाएंगे, अगर बाई बस जाते हैं तो ये आपके चॉइसेस के ऊपर है। अगर बाई ट्रेन जाना चाहते हैं तो उसके लिए जरूरी कि आप अपना टिकट बना लें, वेट ना करें एडमिट कार्ड का। एडमिट कार्ड आप दिल्ली जाकर भी निकलवा सकते हैं। अब सवाल हो रहा है कि एडमिट कार्ड मोबाइल से नहीं हो पा रहा। देखिए जो बना वो सर्वर जो बना हुआ है जामिया का, अगर आप एडमिट कार्ड मोबाइल से डाउनलोड करना चाहेंगे तो नहीं होगा। एडमिट कार्ड आपका जो डाउनलोड होगा वो सिंपल आपको डाउनलोड करना पड़ेगा साइबर कैफे में, या PC पे करिएगा तो डाउनलोड हो जाएगा, उसको फिर प्रिंट करा लीजिएगा। अब इसके बाद देखिए आपको पता कैसे चलेगा, वो भी मैं आपको दिखा रहा हूँ किस तरीके से। देखिए मैंने एक दूसरा अकाउंट लॉगिन किया है, और अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो देखिए यहाँ पे अब जो है ये एडमिट कार्ड का सेक्शन शो कर रहा है। तो इस तरीके से आपको एडमिट कार्ड का आइकन शो करेगा। आप बिल्कुल भी ना घबराएं, बस अपने ID से जो मैंने प्रोसेस अपनाया सेम आपको अपने ID से ओपन करके चेक कर लेना है उसको सिंपल। अच्छा एक बात और, आप सब कुछ बच्चे इस बात को लेकर मुझे जाना कहाँ है, देखिए एडमिट कार्ड में ही मेंशन होगा, मैं वो भी दिखाऊंगा, उस पर एक सेपरेट वीडियो आ जाएगा, उसमें आपको मेंशन रहेगा कि हाँ भाई किस सेंटर कहाँ है और किस टाइम आपको पहुँचना है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर किसी खास टॉपिक पर या कोई ऐसा टॉपिक है जिस पर वीडियो चाहते हैं तो कमेंट में जरूर बताएं, और थैंक यू फॉर वॉचिंग।